तो फाइनली यार एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता है दोस्तों, नई वाली KTM ड्यूक 250 इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए हम इसका वेट कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में कब ये लॉन्च होगी। बट फाइनली आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अब इंडियन मार्केट में भी इसका जो लॉन्च डेट है वो सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में भी ये कब लॉन्च हो रही है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लस थोड़े प्राइस के बारे में भी बताऊँगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, नई वाली जो ड्यूक 390 एंड जो ड्यूक 250 है, पहले तो 250 के बारे में आपको बता रहा हूँ तो जान लीजिए, KTM की जो ड्यूक 250 है वो इंडियन मार्केट में 14 सितंबर, जी हाँ 14 सितंबर को ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। जो कि आपको पता है कि आज 1 तारीख हो चुकी है और ये सितंबर में बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। 14 सितंबर को ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगी कंपनी की तरफ से। तो अच्छी बात है यार कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे ड्यूक 250 ड्यूक 390 नया मॉडल का, फाइनली ये बाइक इंडियन मार्केट में आ रही है। अब अगर किसी को पुरानी ड्यूक या ड्यूक 390 या 250 चाहिए तो भाई आप लोग जाओ और ख़रीद लो, क्या कर लो, ख़रीद लो पुरानी वाली बाइक जो स्टॉक में हो गई, वो बाइक आपको मिल जाएगी। वरना अगर आप वेट करेंगे तो भाई आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जाओ, अगर बाइक आप लोगों को चाहिए तो जाकर पुरानी वाली ख़रीद लो, अगर आपको पुरानी मॉडल चाहिए तो। एक बार अगर नई वाली बाइक आ गई तो आपको पुरानी वाली ड्यूक 250 या ड्यूक 390 लेने का कोई भी मतलब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पुरानी चाहिए पुरानी चाहिए, तो फिर उन चीज़ों को, उन लोगों को मैं ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो से उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि पुरानी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। 14 सितंबर को ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रही है, और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी ने इसका फिलहाल जो प्राइस है वो अनाउंस नहीं किया है। बाकी जैसे ही इसका प्राइस आता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सो आई होप एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।